महत्वपूर्ण सम्मेलन में उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, मेरे भाई श्री ब्रजेश सिंह जी, उपस्थित मंत्रीगण, श्री नंदी जी सामने मेरे साथ उपस्थित हैं, वरिष्ठ अधिकारीगण जो मंच पे बैठे हैं, मंच के सामने बैठे हैं, इन्वेस्टर्स, मीडिया के साथी, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इस डबल इंजन की सरकार को बुलेट की गति से चलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं साथियों, 3:30 बजे माननीय राष्ट्रपति जी का सेशन है, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में 10 पॉइंट रखूँगा आपके सामने, शॉर्ट में रखूँगा। सबसे पहला पॉइंट है दुनिया का अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में हिंदुस्तान की परिस्थिति और उसमें उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। आज सारी दुनिया एक बहुत ही बड़े डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रही है। ऐसे डिफिकल्ट पीरियड में सारी की सारी दुनिया आश्चर्यचकित है और बहुत बड़े होप के साथ, बहुत बड़े एक सेंस ऑफ होप के साथ हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। इसका कारण है कि कोरोना का समय हो, कोरोना के बाद का समय हो, उसमें दुनिया भर में जो निर्णय लिए गए उसके कारण परिस्थितियां विकट हुई, लेकिन हिंदुस्तान में मोदी जी ने जो निर्णय लिए, उन निर्णयों के कारण आज जहां विश्व में सब जगह ग्रोथ नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, वहां हिंदुस्तान में बहुत अच्छी ग्रोथ है और सारी की सारी परिस्थितियां एकदम कंट्रोल के अंदर। और इस ग्रोथ की स्टोरी में उत्तर प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा, आज देश भर में उसकी चर्चा है, विश्व भर में चर्चा है। इसीलिए आप देखेंगे G20 के जितने सम्मेलन हैं, जितने भी ग्रुप हैं, अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं, हर एक ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग हो रहा है उत्तर प्रदेश, चाहे लखनऊ में हो, चाहे वाराणसी में हो, हर एक शहर में जा जाके प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे क्लियर एक फैसला लिया है, क्लियर निर्णय लिया है, उत्तर प्रदेश को दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में स्थापित करना है, कैसे बुलेट की गति से काम होता है वो दिखाना है, और कैसे जो गुंडागर्दी और जो इस तरह का भ्रष्टाचार का 2000 कुछ वर्षों पहले जो मॉडल था, 7-8 वर्षों पहले यूपी में मॉडल था, उस मॉडल को पलट के एक चमकता हुआ, एक ऐसा सितारे की तरह, एक ऐसा जमीन से जुड़ा हुआ मॉडल पेश करना है जो जन जन के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन है। हाईवे का, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का, हर एक विभाग का, एनर्जी का, कोल मिनिस्ट्री का, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का, सभी का योगदान रहेगा भारत सरकार की तरफ से। यूपी में तो डबल इंजन की सरकार है, बुलेट की गति से ही चलेगी, हर एक डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ, रेलवे का इन्वेस्टमेंट। साथियों, 2009 से 2014 के पीरियड में उत्तर प्रदेश की हमेशा अवहेलना की जाती थी, इतना बड़ा प्रदेश, जनसंख्या 25 करोड़ के आसपास, अगर देखें जर्मनी 8 करोड़ जनसंख्या, जापान पूरा 11 करोड़ जनसंख्या, कई देशों को मिला ले तो 25 करोड़ की जनसंख्या बनती है, पूरा अमेरिका 33 करोड़ की जनसंख्या, ऐसे बड़े विशाल प्रदेश जिसका ऐतिहासिक गौरव है, जिसका कल्चर है, जिसका इतना बड़ा इकोनॉमिक वैल्यू है, ऐसे प्रदेश को मिलते थे मात्र 1100 करोड़। रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क पूरे यूपी के लिए मिलते थे मात्र 1100 करोड़। 2014 में मोदी जी ने जब से जिम्मेदारी संभाली, आते ही अलॉटमेंट को डबल किया रेलवे के लिए, यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए अलॉटमेंट को डबल किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया। साथियों, 2023-24 के लिए जो अलॉटमेंट किया है, अभूतपूर्व अलॉटमेंट है, 16 गुने अलॉटमेंट करके 17,507 करोड़ का अलॉटमेंट किया है, ऐसा इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को
आपने उत्तर प्रदेश के प्रति ये जो न्याय किया है, इस न्याय में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। आपने जो सहयोग किया है लैंड एक्विजिशन में, लैंड ऑर्डर में, हरेक क्षेत्र में, आपके सहयोग के कारण आज यूपी में रेलवे का हरेक प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जो भाई जितिन प्रसाद जी ने जो बात बोली, आरओबी आरयूबी के लिए आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पॉलिसी में जो चेंज करना होगा वो करेंगे। जनता के लिए सरकार है, गरीबों की ये सरकार है, वंचितों की ये सरकार है, आदिवासियों की ये सरकार है, हरिजनों की ये सरकार है। ये सरकार उन लोगों के लिए है जिसको आज तक कभी भी वरीयता नहीं दी जाती थी। मोदी जी ने वंचितों को वरीयता देने का मंत्र दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाली ये सरकार। 700 स्टेशनों पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के स्टॉल लगाए गए और जिन विश्वकर्मा भाइयों को और बहनों को रेलवे स्टेशन के माध्यम से बाजार तक पहुंचने का एक मौका मिला, आप विश्वास करेंगे 25,000 रुपए से लेके 2,00,000 रुपए महीने की इनकम हो रही है उन भाइयों और बहनों की। सोचिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पे हमारे जो भाई काम करते हैं, जो आजमगढ़ की ब्लैक कलर का जो मिट्टी का काम है, उन्होंने कहा एक यात्री आए थे जो सामान लेके गए, अब मेरा कार्ड भी लेके गए, दिल्ली पहुंच के उन्होंने एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिया उन्हें। सोचिए जिस प्रोडक्ट की पहचान अपने लिमिटेड एरिया में होती थी वो आज ग्लोबल प्रोडक्ट बन गया। रेलवे के साथ जुड़ के सारी दुनिया आपके लिए खुल जाती है, सारी का सारा देश आपके लिए खुल जाता है। गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के लिए मैं निवेदन करूंगा मेरे साथियों से, रेलवे के DRM साहब से, GM साहब से, DRCC के CMD साहब से, आप रेल उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को साथ लेके हर एक जनपद में एक एक वर्कशॉप कीजिए और वहाँ की जो भी इंडस्ट्री है, वहाँ जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन सबको बुलाइए और जहाँ भी रेलवे के साथ जुड़ सकते हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज, उसके कार्गो टर्मिनल्स के लोकेशंस को आइडेंटिफाई करिए और वहाँ पे तेजी से उनको अप्रूवल्स दीजिए। जो सुविधा रेलवे से चाहिए वो मिलेगी और जो राज्य सरकार से फैसिलिटी चाहिए, माननीय PWD के मंत्री जी बैठे हैं, भाई ब्रजेश जी बैठे हैं, भाई जितिन जी बैठे हैं, जो सुविधा मिलेगी, जो सुविधा देनी होगी देंगे, लेकिन अच्छे से अच्छे हरेक उद्योग को रेलवे के साथ जोड़ना है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, इन सब इनिशिएटिव्स के जरिए से उत्तर प्रदेश में एक नई भावना के साथ, एक अच्छी सदिच्छा के साथ, एक नेक नियति के साथ ऐसा उत्तर प्रदेश का गठन करना है जो इतिहास में, जो जब हम देश की GDP की बात करते थे आज से कई सदियों पहले, उसमें उत्तर प्रदेश की GDP सबसे बड़ा नंबर आता था। फिर से उत्तर प्रदेश को देश भर में वैसी ही गौरवमयी पोजीशन, वैसी ही ग्लोरियस पोजीशन, वैसी ही इकोनॉमिकली पावरफुल पोजीशन में लाना है, वो सब हम सब मिलके साथ करेंगे। जैसा मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण है क्या, थोड़ा जोर से बोलिए जोश के साथ, क्या जरूरी है, सबका प्रयास, सबका सबका। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं हिंदी में ये सवाल पूछूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आप सबको मुझे मौका देने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को कि इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। सवाल मेरे ये है कि जैसे कि 5G रोल आउट हुआ है विदाउट एनी फ्लॉ, किसी कमी के बगैर, तो उसका आगे डेवलपमेंट क्या होगा, आगे फ्यूचर क्या होगा इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स या 5 ईयर्स? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं नाम आपका कौन सी इंडस्ट्री से हूँ? मैं IBS से हूँ और एक 5G रोल आउट कैनेडा में हुआ था पिछले साल और वो एक ब्लंडर की वजह से वो फेलओवर हो गया, एक
बहुत नाम की कंपनी आप भी जानते होंगे। आगे इसको कैसे लेके जाना है, सारा उद्देश्य है कि कैसे हमारे नौजवानों को जो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है, जो आपने जैसे आप किस इंडस्ट्री में आप से आते हो, जो टेक्निकल स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए पूरे देश भर की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज में 105 की लैब्स आगे बढ़ाई जा रही है, जिसमें ऑलरेडी 60 यूनिवर्सिटीज के साथ टाइप हो चुका है, जिसमें कि स्टूडेंट शुरू से ही 5G के बारे में सीख सके, उसके नए यूज केसेस डेवलप कर सके और तैयार होकर इंडस्ट्री में आए। क्योंकि देखिए 2G वाला जमाना जैसा था आप सब जानते हैं, घोटाले वाला जमाना, उस जमाने से बाहर निकले, 4G में हम लोग बहुत अच्छी तेजी से आगे बढ़े, 5G में दुनिया के समकक्ष बन रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने टारगेट रखा है 6G में हिंदुस्तान लीडर होना चाहिए, इसी दौड़ में आ सकता है।